अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज के हम इस लेक्चर में हिस्सा नज़म शुरू करने लगे हैं। तो फर्स्ट नज़म है हमारे पास हम्द। आप बाखूबी जानते होंगे, जिस तरह के आप 8th में पढ़ के आए हैं, हम्द किस नज़म को कहते हैं। तो हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, ऐसी नज़म को हम हम्द कहते हैं। हम्द बच्चों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म है। शेर नंबर 1 है, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमा है हम्द सिरा तेरा। सिवा सिरा ये क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये काफिया है। तेरा तेरा दोनों एक जैसे अल्फाज हैं, तो ये रदीफ को शो करते हैं। तो इसकी हम तशरी करेंगे, पालने वाले मुझ जैसा ना फरमान बंदा तेरी हम्द कर रहा है, मतलब तेरी तारीफ बयान कर रहा है। तो ये दिलों पर तेरे कब्जे का सबसे बड़ा क्या है, सबूत है। जो शख्स अल्लाह की अतात करता है, मतलब अल्लाह ताला की तारीफ करता है, जो हकूकुल्ला अदा करता है, जो अल्लाह ताला की अतात करता है और जो हकूकुल्ला अदा करता है, मतलब बंदों का हकूक भी अदा करता है, मतलब जो है वो अल्लाह ताला के हकूक अदा करता है, करने में अतात और अपनी जिम्मेदारी से काम लेता है, तो अल्लाह की हम्द सना करना, अल्लाह ताला की हम्द सना करना भी अपने फर्ज अहम समझता है। कि इसके ईमान व अमल का तकाजा है कि वो बारगाह खुदावंदी में हम्द व सरा हो, मतलब अल्लाह की तारीफ करे। लेकिन वो शख्स जो इसके फरामीन पर अमल ना करता हो, मतलब एक तो वो शख्स है जो अल्लाह ताला के हकूक अल्लाह अदा करता है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ और एहतियात से निभाता है, अल्लाह ताला की तारीफ करता है। एक वो शख्स है जो जो है नाफरमान है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभाता और हकूक अल्लाह की भी अदायगी नहीं करता, अपनी मनमानी करता है, और इस तरह का शख्स जो है वो कायल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, जिसके लिए इसकी ख्वाहिशात और इसके मर्जी सब कुछ इसमें शामिल होता है। अगर वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहा हो तो ये बात सोचने की दावत देती है। हम इसमें बेटा शेर भी ऐड कर सकते हैं, जब हम नज़म की तशरीह कर रहे होंगे तो हम इस तरह से करेंगे, तो जब हम शेर ऐड करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। तो आप लाजमी एक जो है वो शेर ऐड किया करें तशरीह लिखते वक्त, जिस तरह अजमत तेरी बन कुछ बन नहीं आती, यहाँ है खैर व सरकश की दाम परते सदा तेरे सदा तेरा। या आप दूसरा शेर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं कहाँ जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफू है बंदा निपास में। तो इन दोनों में से कोई एक शेर आप इस पहले नज़म की तशरी में ऐड कर सकते हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का बात यह है कि जब अपने अमाल को देखता हूँ, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, तो अंदाजा लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे अकाम की अतात नहीं कर रहा, मतलब अल्लाह ताला की अतात नहीं कर रहा, मेरा शुमार ना फरमान बंदों में होता है, लेकिन फिर भी तेरी तारीफ मेरी जबान पर है, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करता हूँ तेरी। तो ये तेरी कुदरत का, ये तेरी कुदरत कामला की दलील है, मतलब ये जो मैं ना फरमान बंदा तेरी मेरी जबान पर जो तेरी जो है वो तारीफ आती है, वो तेरी कुदरत कामला की दलील है, और मेरा इरादा मेरे तभी है, लेकिन मेरा दिल मेरी रूह तेरी बारगाह में सर तस्लीम में खम है, मतलब तेरे सामने झुकी हुई है। तो इसके लिए हम शेर पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, तो ये आप इन दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। आगे है, आप कोई एक फरमान या इरशाद ऐड कर सकते हैं तशरीह में, बेशक इंसान अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक इंसान जालिम और जाहिल वाकया हुआ है, ठीक है, जैसे कुरान में इरशाद है, बेशक इंसान जल्दबाज वाकया हुआ है, इंसान ही है खता का पुतला। आगे नेक्स्ट शेर में हम चलते हैं, शेर नंबर 2, सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। तो आइए इसकी तशरीह कर लेते हैं। इंसान के लिए सबसे पहले अल्लाह का हक अदा करना फर्ज है, इंशाल्लाह का इंसान कमजोर है, इससे अल्लाह की अनगिनत नेमतों का शुमार करना मुश्किल है, मतलब अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, और तब तक हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अगर खाल के कनात है तो वो रबुल आलमीन है, मतलब अल्लाह ताला सारे कनात का मालिक है, वो सब जहानों को पालने वाला है, चाहे वो अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो,
वो अपनी नेमते सबको अता करता है, पहुंचाता है हर एक महकश के आगे दौरे जाम, उसका किसी को तशना लब रखता नहीं है लुत्फे आम उसका। तो बच्चों ये आप शेर इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा भी शेर ऐड कर सकते हैं आप कि वो ऐसा अता करने वाला है कि इससे बाज़ुकात मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो दिलों के भेद मतलब दिलों के राज भी जानता है और फिर उससे जो है वो भी अता कर देता है, हमें मांगना भी नहीं पड़ता। इस शाने करीमी ने अदारों को लिया भांप, अरादों को लिया भांप, कहने ना पाया था अभी हर्फ दुआ में, मतलब अभी मैं दुआ में कोई हर्फ भी ना कहने पाया था तो उसने मेरे दिल के राज जान लिया और मेरी दुआ पूरी कर दी। इसी वजह से हम अल्लाह ताला की हर नेमतों का जो है वो नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, बहुत नेमतें हैं अल्लाह ताला की। आगे जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका, ये शेर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत आसान आसान से शेर हैं बच्चों। थर्ड शेर है, महरूम है ऐसा ही जैसा के है ना महरूम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ बीत खुला तेरा, मतलब पालने वाला जो तुझे जानने का दावा करता है इसकी हालत भी वैसे ही है जैसे तुझे जानने से कसार है तू ना मरूं, क्योंकि जिस किसी ने भी तौहीद के राज को समझा वो इसका इजहार नहीं कर सकता। इंसान की सलाहियतें महदूद हैं, वो अपनी इन महदूद सलाहियतों की बिना पर खुदा ताला के बारे में कुछ नहीं जान सकता। जिस तरह लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों में है बेनिशान तू है, कि महरूम है मतलब जो है वो क्या है वाकिफ है वो हर चीज से, ऐसा ही है जैसा कि नामरूम, जैसा कि वो नहीं जानता ना आशना है, कुछ ना कह सका जिस पर यहाँ भीद खुला तेरा, मतलब कुछ बयान ना कर सका कि हर तरफ देखता हूं तो तेरा ही राज खुलता है, कि लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों में है बेनिशान तू। दूसरा शहर आप ऐड कर सकते हैं इसमें, दूसरा कौन है जहाँ तू, कौन जाने कहाँ तू है। ठीक है, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली इस शेर में कहते हैं कि अव्वल तो खुदा को जानने का दावा करना ही महले नजर है, मतलब क्योंकि हम अगर हर तरफ देखें तो अल्लाह ताला ही के जलवे फरोज नजर आते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स को तौहीद का कुछ शऊर हासिल हो मतलब कुछ पता हो तो वो मुकम्मल आगाही नहीं हो सकती। इसे जानने का दावा करने वाला और इसे ना जानने वाले बराबर हो जाते हैं। जब आप कुछ महसूस ना करें लेकिन अपने एहसास को लफ्जों का रूप ना देने पाए तो इसका इजहार ना कर सकें तो फिर जानने का दावा महज दावा रह जाता है। मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला को जानता है और जो अल्लाह ताला को नहीं जानता, जब तक कोई बंदा उसको देखेगा नहीं तो वो किस तरह से जो है वो हमारे पास जान पाएगा, ये तो सिर्फ लफ्जों का दावा है। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, जजता नहीं नजरों में जहाँ खलका थे सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। इस शेर में क्या है कि आंखों में अच्छा नहीं लगता ये जो लिबास पहना हुआ है, कमली में मगन रहता है मतलब तेरी ही याद में मगन रहता है जो तेरे गधे होते हैं मतलब जो फकीर होते हैं वो, जिन्हें खुदा ताला की तरफ से गदड़ी भी अता हो जाए मतलब जो है फकीरी अता हो जाए तो वो बादशाहों की तरह से अता किए हुए कीमती मलबूस को अहमियत नहीं देते, बल्कि वो कमली लिबास में जो है वो क्या है फटे हुए फटे पुराने लिबास में, इतने फकीरों की तरह आला लिबास नहीं पहनते वो जो है वो कमतर लिबास पहन कर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उसकी हम्द सना में मगन रहते हैं। तो ये तो बच्चों की तशरीह, बाकी आप खुद कर लेंगे, वो जो तेरे फकीर होते हैं आदमी बेनजीर होते हैं, तो ये जो है वो आप इसमें शेर ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट शेर है, इन आंखों में शौकत जजती नहीं किसी की, आंखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा। आगे है हमारे पास नेक्स्ट शेर, तू ही नजर आया है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गीला तेरा, मतलब तू ही नजर आया जिधर उन्होंने देखा है ना हर जगह तू ही नजर आया, मतलब हर जगह पे तू ही मुहीत है, हर जगह पर तेरा ही कब्जा है, रंजो मुसीबत मतलब दुख में भी और मुसीबत में भी जो लोग तेरा गीला करते हैं शिकवा शिकायत करते हैं यहाँ भी देखते हैं तू ही नजर आता है और हर शय पे तेरी ही कुदरत नजर आती है। तो ये मैंने आपको बच्चों तशरीह बता दी है इसकी, तो मतलब जिधर भी हम देखेंगे लोग मुसीबत में जब कोई बंदा मर जाता है तो अपना जो है वो गिला शिकवा अल्लाह ताला से करते हैं, लेकिन जब वो हर तरफ देखते हैं तो अल्लाह ताला ही की कनात सब चीज पर मुहीत और ताकतवर नजर आती है। इस बच्चों आप इस शेर में ये शेर ऐड कर सकते हैं तशरीह करते हुए, कभी हमसे कभी गहरों से शासनाई है,
बात कहने